हे गाइस, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। सभी एग्जाम स्पेसिफिक क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे रखे हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज नॉट फोमाइट बॉर्न? मलेरिया, टाइफॉइड, डिप्थेरिया, बैसिलरी डिसेंट्री। नॉट ए फोमाइट बॉर्न डिसीज। इनमें से कौन सा डिसीज फोमाइट बॉर्न नहीं है? तो ये होता है मलेरिया। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ये मलेरिया होता है प्रोटोजोअल डिसीज। मलेरिया के कॉजेटिव एजेंट्स होते हैं प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, देन प्लाज्मोडियम मलेरी। ये होते हैं कॉजेटिव एजेंट्स ऑफ मलेरिया। एंड द कॉमनेस्ट फॉर्म ऑफ मलेरिया इन इंडिया इज प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। देन अभी आप मुझे बताएंगे मलेरिया इज ट्रांसमिटेड बाय? तो मलेरिया इज ट्रांसमिटेड बाय फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो। टाइफॉइड का कॉजेटिव एजेंट साल्मोनेला टाइफी। इसकी डायग्नोसिस टेस्ट विडाल टेस्ट। इसका ड्रग ऑफ चॉइस सिप्रोफ्लॉक्सासिन। डिप्थेरिया का कॉजेटिव एजेंट कोरिने बैक्टेरियम डिप्थेरिया। ये होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टेरिया। देन विच टेस्ट इज यूज फॉर द डायग्नोसिस ऑफ डिप्थेरिया? तो ये होती है शीक टेस्ट एंड इलेक्स टेस्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट है आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डायग्नोसिस टेस्ट फॉर डिप्थेरिया, शीक टेस्ट, इलेक्स टेस्ट। एंड डिप्थेरिया अफेक्ट करता है मोस्ट कॉमनली अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। देन बैसिलरी डिसेंट्री इज कॉज्ड बाय शिगेला एंड इसमें ड्रग ऑफ चॉइस होता है मेट्रोनिडाजोल। अभी आप मुझे बताएंगे कौन से होते हैं फोमाइट बॉर्न डिसीज। तो इसमें ये टाइफॉइड, डिप्थेरिया, बैसिलरी डिसेंट्री आता है, देन लेप्रसी आता है, ट्यूबरकुलोसिस, कॉलेरा, प्लेग, देन इन्फ्लुएंजा, वूपिंग कफ, मीजल्स, ये सभी होते हैं फोमाइट बॉर्न डिसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इन्वॉल्व सेंट्रल नर्वस सिस्टम? मेनिंजाइटिस, कंजक्टिवाइटिस, अल्जाइमर्स, इंसेफेलाइटिस। डज नॉट इन्वॉल्व सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ये मेनिंजाइटिस क्या होता है? ये होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड मेम्ब्रेन्स। तो इसमें CNS इन्वॉल्व होता है। इंसेफेलाइटिस क्या है? ब्रेन इन्फ्लेमेशन होता है इंसेफेलाइटिस। अल्जाइमर्स क्या है? डिक्रीज इन एसिटाइल कोलिन। ये होता है ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स। CNS इन्वॉल्व होता है। वॉट इज कंजक्टिवाइटिस? तो ये होता है आई इन्फेक्शन। इन्फ्लेमेशन ऑफ कंजक्टिवा इज कंजक्टिवाइटिस। सो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। कंजक्टिवाइटिस डज नॉट इन्वॉल्व सेंट्रल नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ दीज इज ए मेजर रिस्क फैक्टर इन डेवलपिंग स्किन कैंसर? आयनाइजिंग रेडिएशन, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ए रिडक्शन इन एयर पॉल्यूशन, ऑल ऑफ द अबव। मेजर रिस्क फैक्टर इन डेवलपिंग स्किन कैंसर। इनमें से क्या होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर स्किन कैंसर? तो ये होता है आयोनाइजिंग रेडिएशन। ऑप्शन ए यूवी रेडिएशन रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द स्किन कैंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन इज ए किल्ड वैक्सीन? BCG, ओरल पोलियो, कॉलरा, मीजल्स। इनमें से कौन सी है किल्ड वैक्सीन? तो किल्ड वैक्सीन में हमने देखा था प्लेग, पर्टूसिस, कॉलरा। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। किल्ड वैक्सीन होती है प्लेग, पर्टूसिस एंड कॉलरा। ये BCG होती है लाइव बैक्टेरियल वैक्सीन। बैसिली कैलमेट ग्वेरिन इसका फुल फॉर्म होता है। इसे देते हैं इंट्राडर्मली। ये होती है फॉर द प्रिवेंशन ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। ये ओरल पोलियो एंड मीजल्स होती है वायरल वैक्सीन्स। ये आती है लाइव एटेनोटेड वैक्सीन्स में। BCG, कॉलरा, मीजल्स, देन मम्स, रूबेला, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, ये सभी होती है लाइव एटेनोटेड वैक्सीन्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइलेरियल लार्वा कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम मैंस पेरिफेरल ब्लड एट मिडनाइट, स्मियर्स ऑफ स्प्लीन, स्मियर्स ऑफ इंटेस्टाइनल फ्लूइड्स, बायोप्सी ऑफ लीवर। फाइलेरियल लार्वा कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम मैंस। तो इसे कलेक्ट करते हैं फ्रॉम पेरिफेरल ब्लड एट मिडनाइट। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। एंड फाइलेरियासिस का कॉजेटिव एजेंट होता है वुस्चेरिया बैनक्रॉप्टी। ड्रग ऑफ चॉइस क्या है फाइलेरियासिस में? तो डाइइथाइल कार्बामेजिन। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्ट्रेप्टोकोकाई आर अरेंज्ड इन क्लस्टर, चेन, सर्कल, हेयर सर्कल। कैसे अरेंज होते हैं स्ट्रेप्टोकोकाई? तो ये स्ट्रेप्टोकोकाई होते हैं ग्राम पॉजिटिव कोकाई। स्पेरिकल शेप्ड होते हैं स्ट्रेप्टोकोकाई।
एंड ये अरेंज्ड होते हैं इन चेन, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन मेजर्स इंक्लूड, प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सीडेंट्स, इम्यूनाइजेशन, केमो प्रोफाइलैक्सिस, ऑल ऑफ द अबव, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन मेजर्स इंक्लूड। तो स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में केमो प्रोफाइलैक्सिस आता है, इम्यूनाइजेशन आता है एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सीडेंट्स भी आता है, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। इम्यूनाइजेशन में आता है वैक्सीन्स, केमो प्रोफाइलैक्सिस में आता है डैप्सोन फॉर लेप्रेसी, देन क्लोरोक्विन फॉर मलेरिया, देन टेट्रासाइक्लिन्स फॉर कॉलेरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 120 80 mmHg एज ए ब्लड प्रेशर 80 स्टैंड्स फॉर सिस्टोलिक प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर, मीन प्रेशर, नन। तो ब्लड प्रेशर में ये नीचे की वैल्यू क्या होती है, तो ये होती है डायस्टोलिक प्रेशर, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। हियर 80 स्टैंड्स फॉर डायस्टोलिक प्रेशर एंड 120 स्टैंड्स फॉर सिस्टोलिक प्रेशर। क्या होता है ये सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर? तो ये सिस्टोलिक प्रेशर होता है प्रेशर इन आर्टरीज ड्यूरिंग हार्ट बीट्स एंड डायस्टोलिक प्रेशर होता है प्रेशर इन आर्टरीज व्हेन हार्ट रेस्ट बिटवीन बीट्स। ठीक है, देन मीन प्रेशर क्या है? तो एवरेज आर्टेरियल प्रेशर थ्रू आउट वन कार्डियक साइकिल, एवरेज आर्टेरियल प्रेशर थ्रू आउट वन कार्डियक साइकिल इज मीन प्रेशर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, BCG वैक्सीन इज यूज टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट हेपेटाइटिस बी, ट्यूबरकुलोसिस, इन्फ्लुएंजा, रेबीज। तो अभी हमने बहुत बार डिस्कस किया हुआ है, ये BCG वैक्सीन होती है फॉर द प्रोटेक्शन अगेंस्ट ट्यूबरकुलोसिस, ऑप्शन बी। कैसे देते हैं इसे? इंट्रा डर्मली, बैसिली कैलमेट ग्वेरिन एंड ये होती है लाइव बैक्टेरियल वैक्सीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द सब्सटेंस दैट इज प्रेजेंट ओनली इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टेरिया सेल वॉल, लिपोपॉलीसैकेराइड, टिकोइक एसिड, पेप्टिडोग्लाइकन, सेल्यूलोज। क्या प्रेजेंट होता है ओनली इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टेरिया सेल वॉल? तो इसमें प्रेजेंट होता है टिकोइक एसिड, ऑप्शन बी। ये टिकोइक एसिड रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द रेगुलेशन ऑफ सेल मॉर्फोलॉजी, सेल वॉल स्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है टिकोइक एसिड इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टेरिया। अभी आप मुझे बताएंगे ग्राम पॉजिटिव बैक्टेरिया कौन से होते हैं? तो इनमें आता है स्टेपिलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, बैसिलस, कॉस्ट्रिडियम, देन कोरिने बैक्टीरियम, ये सभी होते हैं ग्राम पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 1955 द पर्सन हु इन्वेंटेड द पोलियो वैक्सीन वॉज, जोनास साल्क, जोसेफ स्टालिन, रॉबर्ट कोच, लुइस पाश्चर। किसने इन्वेंट किया था पोलियो वैक्सीन इन 1955? तो ये थे जोनास साल्क, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। एंड ये वैक्सीन है साल्क वैक्सीन, ये होती है किल्ड और इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन होती है साल्क वैक्सीन। एंड दूसरी होती है सेबिन्स वैक्सीन, ये होती है ओरल पोलियो वैक्सीन, ये होती है लाइव ओरल पोलियो वैक्सीन। ठीक है, एंड इट इज इन्वेंटेड बाय अल्बर्ट सेबिन, साल्क वैक्सीन एंड सेबिन्स वैक्सीन। मोस्ट इंपॉर्टेंट वैक्सीन से आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से साल्क एंड सेबिन्स। देन अभी आप मुझे बताएंगे डिस्कवरी ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस वॉज डन बाय, इनमें से किसने की थी डिस्कवरी ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस? तो ये थे रॉबर्ट कोच, डिस्कवरी ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस वॉज डन बाय रॉबर्ट कोच। देन हु इन्वेंटेड पाश्चराइजेशन प्रोसेस, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो पाश्चराइजेशन प्रोसेस वॉज इन्वेंटेड बाय लुइस पाश्चर, ठीक है, एंड इन्होंने डेवलप की थी रेबीज वैक्सीन, रेबीज वैक्सीन वॉज डेवलप्ड बाय लुइस पाश्चर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्मोनल मेथड, क्रीम्स, सपोजिटरीज, फोम, मालाडी पिल, इनमें से कौन सी होती है हार्मोनल मेथड, मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन? तो ये होती है मालाडी पिल, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। मालाडी पिल होती है हार्मोनल पिल, इसमें प्रेजेंट होता है लियोनॉर्जेस्ट्रेल एंड इथिनिल इस्ट्राडियोल, लियोनॉर्जेस्ट्रेल एंड इथिनिल इस्ट्राडियोल होता है मालाडी पिल में, ये होती है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। ये फोम टैबलेट्स होते हैं स्पर्मिसाइडल टैबलेट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिजिकल हेल्थ मीन्स सोशिएबल, गुड लुकिंग, नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी एंड ऑर्गन्स, नीट एंड क्लीन। क्या होता है फिजिकल हेल्थ? तो ये होता है नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी एंड ऑर्गन्स, ऑप्शन सी।
देन कभी कभी ऑप्शन में दिया जाता है इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूशनल हेल्थ, तो ये भी होती है फिजिकल हेल्थ। ठीक है, इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूशनल हेल्थ इज फिजिकल हेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्लेग, ब्यूबोनिक प्लेग, सेप्टिसिमिक प्लेग, न्यूमोनिक प्लेग, ऑल ऑफ द अबव, तो ये सभी होते हैं फॉर्म्स ऑफ प्लेग। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ब्यूबोनिक, सेप्टिसेमिक एंड न्यूमोनिक प्लेग, ये सभी होते हैं फॉर्म्स ऑफ प्लेग। प्लेग का कॉजेटिव एजेंट यर्सिनिया पेस्टिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द शेप ऑफ बैसिली इज स्पेरिकल, कॉमा, कर्व, रॉड, क्या होता है शेप ऑफ बैसिली? तो बैसिली होते हैं रॉड शेप, स्पेरिकल शेप, कोकाई, कॉमा शेप, विब्रियो, कर्व्ड शेप, स्पाइरिला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लो बर्थ वेट इज 3.5, 2.4, 4 और 3.7 किलोग्राम्स, तो ये होता है 2.4 केजी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिनेटल ट्रांसमिशन इज सेड टू ऑकर व्हेन ए पैथोजन इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम नॉन ह्यूमन टू ह्यूमन, इन्फेक्टेड टू अनइन्फेक्टेड, मदर टू इन्फंट, ऑल ऑफ द अबव, पेरिनेटल ट्रांसमिशन इज सेड टू ऑकर व्हेन ए पैथोजन इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम, तो ये होता है फ्रॉम मदर टू इन्फंट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिकन पॉक्स इज कॉज्ड बाय अल्गी, फंगी, बैक्टीरिया, वायरस, कौन कॉज कराता है चिकन पॉक्स? तो ये हो जाएगा वायरस, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, चिकन पॉक्स इज कॉज्ड बाय वायरस। क्या होता है चिकन पॉक्स का कॉजेटिव एजेंट? तो वैरिसेला जोस्टर। अभी आप मुझे बताएंगे वायरल डिसीज एंड बैक्टीरियल डिसीजेस के एग्जाम्पल्स। तो वायरल डिसीजेस होते हैं पोलियो, हेपेटाइटिस ए, देन हेपेटाइटिस बी, चिकन पॉक्स, मम्स, देन मीजल्स, रूबेला, देन इसमें आएगा रेबीज, इन्फ्लुएंजा, ये सभी होते हैं वायरल डिसीजेस। बैक्टीरियल डिसीजेस ट्यूबरकुलोसिस, टिटेनस, देन एंथ्रैक्स, कॉलरा, लेप्टोस्पायरोसिस, सिफिलिस, न्यूमोनिया, ये सभी है बैक्टीरियल डिसीजेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइप ऑफ हेल्थ रिलेटेड टू एन इंडिविजुअल्स कॉन्स्टिट्यूशनल हेल्थ इज स्पिरिचुअल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, सोशल हेल्थ। तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था, क्वेश्चन था फिजिकल हेल्थ इज, यहाँ पे वही क्वेश्चन घुमा के पूछा गया है। वहाँ पे क्वेश्चन था फिजिकल हेल्थ मीन्स नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी एंड ऑर्गन्स, एंड यहाँ पे दिया गया है हेल्थ रिलेटेड टू एन इंडिविजुअल्स कॉन्स्टिट्यूशनल हेल्थ इज, तो ये भी होता है फिजिकल हेल्थ, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉपुलर आयुसीडी इज कॉन्डम, कॉपर टी, फोम टैबलेट, क्रीम, द पॉपुलर इंट्रायूटेरिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, तो ये होता है कॉपर टी, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ये कॉपर टी आता है नॉन परमानेंट और रिवर्सिबल मेथड ऑफ फीमेल कॉन्ट्रासेप्शन में। ठीक है, फोम टैबलेट्स होती है स्पर्मिसाइडल टैबलेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज डिफाइंड एज द प्रोसेस वेयर ऑल द लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग बैक्टीरियल स्पोर्स आर किल्ड, डिसइन्फेक्शन, डिकंटेमिनेशन, स्टरलाइजेशन, क्लीनिंग, प्रोसेस वेयर ऑल द लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग बैक्टीरियल स्पोर्स आर किल्ड, तो ये होता है स्टरलाइजेशन, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। डिसइन्फेक्शन क्या है? तो डिसइन्फेक्शन किल्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बट नॉट बैक्टीरियल स्पोर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिफिलिस इज कॉज्ड बाय ट्रेपोनेमा पैलिडम, डुक्रेज बेसिलस, साल्मोनेला टाइफी, उस्चेरिया बैनक्रॉफ्टी, इनमें से कौन कॉज कराता है सिफिलिस? तो ये सिफिलिस होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, एंड इसे कॉज कराता है ट्रेपोनेमा पैलिडम, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ट्रेपोनेमा पैलिडम होता है कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ सिफिलिस। डुक्रेज बेसिलस क्या कॉज कराता है? तो चैनक्रोइड इज कॉज्ड बाय डुक्रेज बैसिलस। साल्मोनेला टाइफी कॉज कराता है टाइफॉइड। उस्चेरिया बैनक्रॉप्टी कॉज कराता है फाइलेरियासिस। ठीक है, अभी आप मुझे बताएंगे सिफिलिस की डायग्नोस्टिक टेस्ट। मोस्ट रिपीटेडली आस्क क्वेश्चन है डायग्नोसिस टेस्ट फॉर सिफिलिस, तो ये होती है कांस टेस्ट, VDRL टेस्ट एंड वॉसरमैन टेस्ट। ये VDRL टेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ये होती है डायग्नोसिस टेस्ट फॉर सिफिलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायरस दैट लिव एज पैरासाइट ऑन बैक्टीरिया आर फंगी, बैक्टीरियोफेज,
metaphage, commensals, virus that live as parasite on bacteria. तो इन्हें बोलते हैं bacteriophage, option B. Next question. Montaux test is used for the diagnosis of leprosy, diphtheria, tuberculosis, typhoid. किसकी diagnostic test होती है Montaux test? तो ये होती है for the diagnosis of tuberculosis, option C. Montaux test, HIV test, tuberculin test, ये सभी होती है for the diagnosis of tuberculosis. And tuberculosis का causative agent होता है Mycobacterium tuberculosis. Then leprosy is caused by Mycobacterium leprae. Diagnosis test, lepromin test. Diphtheria का causative agent, Corynebacterium diphtheria. Diagnosis test, Sheik test, Ilex test. Typhoid की diagnostic test, Vidal test. Causative agent, Salmonella typhi. ठीक है, next question. कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया इज कोकाई, बेसिली, विब्रियो, स्पायरोचिट्स. तो कॉमा शेप्ड होते हैं विब्रियो, ऑप्शन सी. कोकाई स्पेरिकल शेप्ड, बेसिली रॉड शेप्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन, सेबिन इज डैश टाइप ऑफ वैक्सीन, लाइव, किल्ड, सब यूनिट, ऑल. मोस्ट इंपॉर्टेंट वैक्सीन है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. तो ये सेबिन होती है ओरल पोलियो वैक्सीन, ओपीवी. लाइव एटेनोटेड वैक्सीन होती है सेबिन वैक्सीन, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. एंड सेबिन वैक्सीन इज इन्वेंटेड बाय अल्बर्ट सेबिन. देन किल्ड पोलियो वैक्सीन, तो ये होती है साल्क्स वैक्सीन. साल्क्स वैक्सीन होती है किल्ड पोलियो वैक्सीन, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, IPV. एंड जोनास साल्क इन्वेंटेड साल्क्स वैक्सीन इन 1955. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइलेरियासिस इज कॉज्ड बाय क्लॉस्ट्रिडियम टिटैनी, वुस्चेरिया बैनक्रॉप्टी, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, यर्सिनिया पेस्टिस. इनमें से कौन कॉज कराता है फाइलेरियासिस? तो ये होता है वुस्चेरिया बैनक्रॉप्टी, ऑप्शन बी. फाइलेरियासिस में ड्रग ऑफ चॉइस क्या होता है? ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ड्रग ऑफ चॉइस इन फाइलेरियासिस. तो ये होता है डाइथाइल कार्बामेजिन, DEC. क्लॉस्ट्रिडियम टिटैनी क्या कॉज कराता है? टिटैनस, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, मलेरिया, यर्सिनिया पेस्टिस, प्लेग. नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेस्ट विच इज यूजफुल फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, हीमोलाइसिस, ग्राम स्टेनिंग, फर्मेंटेशन विथ शुगर, जिल निल्सन स्टेनिंग. कौन सी टेस्ट का यूज करते हैं फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस? तो ये होती है जिल निल्सन स्टेनिंग, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. जिल निल्सन स्टेनिंग का यूज करते हैं फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइकोबैक्टीरिया. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए डिसीज ट्रांसमिटेड फ्रॉम ए नॉन ह्यूमन टू ए ह्यूमन देन इट इज टर्म्ड एज जूनोटिक डिसीज, इन्फेक्शियस डिसीज, कॉन्जेनाइटल डिसीज, इयाट्रोजेनिक डिसीज. डिसीज ट्रांसमिटेड फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमन, तो इन्हें बोलते हैं जूनोटिक डिसीजेस, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. कौन से होते हैं जूनोटिक डिसीज? तो इसमें आता है रेबीज, देन प्लेग, एवियन इन्फ्लुएंजा, देन GRDIASIS, लेप्टोस्पायरोसिस, लाइम डिसीज, ये सभी होते हैं जूनोटिक डिसीजेस. डिसीज ट्रांसमिटेड फ्रॉम ए नॉन ह्यूमन टू ए ह्यूमन. ये कॉन्जेनाइटल डिसीजेस क्या है? तो ये होते हैं बर्थ डिफेक्ट्स. इसके एग्जाम्पल्स होते हैं न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, देन डाउन सिंड्रोम, हार्ट डिसीजेस. कॉन्जेनाइटल डिसीजेस ऑकर्स ड्यूरिंग इंट्रायूटेरिन लाइफ. ये इनहेरिटेड होते हैं, कंडीशन दैट इज प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ होते हैं कॉन्जेनाइटल डिसीज. व्हाट इज इयाट्रोजेनिक डिसीज? लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है. तो ड्रग इंड्यूस्ड डिसीजेस होते हैं इयाट्रोजेनिक डिसीजेस. नौशिया, वॉमिटिंग, हेयर लॉस, देन एनीमिया, ये होते हैं इयाट्रोजेनिक डिसीजेस. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, the problems related to nutrition of nutrients is called malnutrition, solubility of nutrition, insolubility of nutrition, balancing of nutrition. problems related to nutrition of nutrients, तो ये होता है malnutrition, option A हो जाएगा आपका correct answer. जो nutrients होते हैं proteins, vitamins, minerals, then carbohydrates, इनकी prolonged deficiency से होता है malnutrition. देन इसमें से और एक क्वेश्चन आता है, मैरेस्मस क्या है? तो मैरेस्मस इज कॉज ड्यू टू लैक ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स. एंड व्हाट इज क्वेशियोर्कर? तो क्वेशियोर्कर होता है लैक ऑफ प्रोटीन्स.
मैरेस्मस एंड क्वेश्चियोर्कर पे भी हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रोटीन डेफिशिएंसी कॉजेस क्वेश्चियोर्कर एंड कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स एंड फैट डेफिशिएंसी कॉजेस मैरेस्मस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। डेफिशिएंसी ऑफ इसेंशियल फैटी एसिड इन ह्यूमन कॉजेस एक्जेमा, फैटी लीवर, डिजनरेटिव चेंजेस इन आर्टेरियल वॉल, ऑल ऑफ द अबव। इनमें से क्या होता है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इसेंशियल फैटी एसिड्स? तो इसेंशियल फैटी एसिड की डेफिशिएंसी से होता है एक्जेमा, फैटी लीवर एंड डिजनरेटिव चेंजेस इन आर्टेरियल वॉल ऑल्सो। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। लेप्रसी इज ऑल्सो नोन एज एंथ्रेक्स, हैंसेंस डिसीज, टाइसन्स डिसीज, हैंडेंस डिसीज। क्या बोलते हैं लेप्रसी को? तो लेप्रसी इज ऑल्सो नोन एज हैंसेंस डिसीज। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। एंड लेप्रसी इज कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम लेप्री। ड्रग ऑफ चॉइस क्या होता है लेप्रसी का? तो ये होता है डैप्सॉन। ये एंथ्रेक्स कौन कॉज कराता है? कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ एंथ्रेक्स। तो बैसिलस एंथ्रेसिस कॉज कराता है एंथ्रेक्स। एंड बैसिलस एंथ्रेसिस वॉज आइसोलेटेड बाय रॉबर्ट कोच। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। बैसिलस एंथ्रेसिस वॉज आइसोलेटेड बाय रॉबर्ट कोच। नेक्स्ट क्वेश्चन। पाश्चराइजेशन इज डेवलप्ड बाय रॉबर्ट कोच, लुइस पाश्चर, जोसेफ लिस्टर, पॉल एर्लिच। तो पाश्चराइजेशन इज डेवलप्ड बाय लुइस पाश्चर। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। एंड अभी आप मुझे बताएंगे विच मेथड इज यूज टू किल माइक्रोब्स प्रेजेंट इन मिल्क? तो ये होता है पाश्चराइजेशन। पाश्चराइजेशन किल्स माइक्रोब्स प्रेजेंट इन मिल्क। देन ट्यूबरकल बैसिलस वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट कोच। देन हु इज द फादर ऑफ केमोथेरेपी? ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। फादर ऑफ केमोथेरेपी तो ये है पॉल एर्लिच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वाटर बॉर्न डिसीज? टाइफॉइड, कॉलरा, डायरिया, ऑल ऑफ द अबव। इनमें से कौन सा है वाटर बॉर्न डिसीज? तो वाटर बॉर्न डिसीज में आता है कॉलरा, डायरिया, टाइफॉइड, देन अमीबियासिस, हेलमेंथियासिस, लेप्टोस्पायरोसिस। ये सभी होते हैं वाटर बॉर्न डिसीज। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ये टाइफॉइड आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कॉजेटिव एजेंट ऑफ टाइफॉइड साल्मोनेला टाइफी। देन विच टेस्ट इज यूज फॉर द डायग्नोसिस ऑफ टाइफॉइड फीवर? तो ये होती है विडाल टेस्ट। ड्रग ऑफ चॉइस इन टाइफॉइड तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्रेसिंग एंड बैंडेजेस आर यूज टू रिड्यूस द विक्टिम्स पेन, रिड्यूस इंटरनल ब्लीडिंग, हेल्प टू कंट्रोल ब्लीडिंग एंड प्रिवेंट इन्फेक्शन, मेक इट इजियर टू टेक द विक्टिम टू द हॉस्पिटल। किस लिए यूज करते हैं ड्रेसिंग एंड बैंडेजेस का? तो इन्हें यूज करते हैं टू हेल्प टू कंट्रोल ब्लीडिंग एंड प्रिवेंट इन्फेक्शन। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ड्रेसिंग एंड बैंडेजेस आर यूज टू हेल्प टू कंट्रोल ब्लीडिंग एंड प्रिवेंट इन्फेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म फॉर टाइफॉइड फीवर इज फंगी, आरएनए वायरस, क्लॉस्ट्रिडियम, साल्मोनेला टाइफी। तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया टाइफॉइड का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होता है साल्मोनेला टाइफी। ऑप्शन डी। डायग्नोसिस टेस्ट विडाल टेस्ट एंड ड्रग ऑफ चॉइस सिप्रोफ्लॉक्सासिन। देन क्लॉस्ट्रिडियम टिटैनी होता है टिटैनस का कॉजेटिव एजेंट। एंड विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर द बॉडी ओनली थ्रू एन इंजरी? तो ये होता है क्लॉस्ट्रिडियम टिटैनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वायरल वैक्सीन? ओरल पोलियो वैक्सीन, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, बीसीजी और रूबेला। नॉट ए वायरल वैक्सीन। तो सबसे पहले आप मुझे बताएंगे वैक्सीन क्या है? तो वैक्सीन्स आर प्रिपरेशन ऑफ एंटीजेनिक सब्सटेंसेस एंड एक्टिव इम्यूनिटी इज ऑब्टेंड बाय वैक्सीन्स। ये भी एक बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। एक्टिव इम्यूनिटी इज ऑब्टेंड बाय वैक्सीन्स। वैक्सीन्स आर प्रिपरेशन ऑफ एंटीजेनिक सब्सटेंसेस। एंड ये ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन, देन इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, रूबेला वैक्सीन, ये वैक्सीन्स होते हैं वायरल वैक्सीन्स। बीसीजी होती है बैक्टीरियल वैक्सीन। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। बीसीजी होती है लाइव बैक्टीरियल वैक्सीन। इसका फुल फॉर्म होता है बैसिली कैलमेट ग्वेरिन। एंड ये होती है लाइव बैक्टीरियल वैक्सीन। अभी आप मुझे बताएंगे इसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कैसे देते हैं बीसीजी वैक्सीन? तो बीसीजी वैक्सीन देते हैं इंट्राडर्मली एंड इसे देते हैं फॉर द प्रिवेंशन ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, ये ओरल पोलियो वैक्सीन होती है लाइव वायरल वैक्सीन। ये होती है सेबिन्स वैक्सीन। ओरल पोलियो वैक्सीन होती है सेबिन्स वैक्सीन। एंड एक होती है साल्क्स वैक्सीन जो होती है किल्ड पोलियो वैक्सीन।
ये होती है इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। ठीक है, अभी आप मुझे बताएंगे ओरल पोलियो वैक्सीन मस्ट बी स्टोर्ड एट, क्या होता है स्टोरेज कंडीशन ऑफ ओरल पोलियो वैक्सीन ओपीवी, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो ये होता है 0 to 4 degrees Celsius। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैनॉट बी ट्रांसमिटेड वाया इन्फेक्शियस ड्रॉपलेट्स, रूबेला, कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, नन। कैनॉट बी ट्रांसमिटेड वाया इन्फेक्शियस ड्रॉपलेट्स, इनमें से कौन सा डिसीज ट्रांसमिट नहीं होता वाया इन्फेक्शियस ड्रॉपलेट्स? तो रूबेला ट्रांसमिट होता है, कॉमन कोल्ड भी ट्रांसमिट होता है, इन्फ्लुएंजा भी ट्रांसमिट होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। हमें पूछा गया है कैनॉट बी ट्रांसमिटेड वाया ड्रॉपलेट्स, तो ये तीनों ट्रांसमिट होते हैं वाया इन्फेक्शियस ड्रॉपलेट्स, सो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोबाल्ट इज ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नियासिन, विटामिन B12, बायोटिन, फॉलिक एसिड, किसमें प्रेजेंट होता है कोबाल्ट? तो ये भी हमने बहुत बार डिस्कस किया हुआ है, कोबाल्ट कंटेनिंग विटामिन होता है साइनोकोबोलामाइन, ये होता है विटामिन B12, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। कौन सी रिंग प्रेजेंट होती है विटामिन B12 में साइनोकोबालामाइन में? तो इसमें प्रेजेंट होती है कोरिन रिंग, एंड इसकी डेफिशिएंसी कॉज कराती है पर्निशियस एनीमिया। ठीक है, देन इंट्रिंसिक फैक्टर इज नीडेड फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ विच विटामिन, तो ये भी होता है विटामिन B12, साइनोकोबालामाइन, नियासिन, विटामिन B3। डेफिशिएंसी क्या कॉज कराती है? पेलाग्रा। बायोटिन क्या है? विटामिन B7, विटामिन H। विच इज द सल्फर कंटेनिंग विटामिन? तो ये होता है बायोटिन। बायोटिन इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ इमिडाजोल एंड थियोफिन रिंग, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। बायोटिन इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ इमिडाजोल एंड थियोफिन रिंग, ये होता है सल्फर कंटेनिंग विटामिन। इसकी डेफिशिएंसी क्या कॉज कराती है? तो ये कॉज कराती है डर्मेटाइटिस। देन अभी आप मुझे बताएंगे इनमें से किसमें प्रेजेंट होती है टेरिडिन रिंग, टेरिडिन रिंग कंटेनिंग विटामिन कौन सा है? तो ये होता है फॉलिक एसिड, फॉलिक एसिड होता है विटामिन B9, इसमें प्रेजेंट होती है टेरिडिन रिंग, देन पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड, ग्लूटामिक एसिड एंड टेरिडिन रिंग कंटेनिंग विटामिन, विटामिन B9, फॉलिक एसिड। डेफिशिएंसी क्या कॉज कराती है? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, एंड वोमिटिंग इन प्रेगनेंसी इज ऑल्सो कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ फॉलिक एसिड विटामिन B9। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट ए लाइव एटेनोटेड वैक्सीन, BCG, मीजल्स, पर्टूसिस, OPV, ओरल पोलियो वैक्सीन, इनमें से कौन सी लाइव एटेनोटेड वैक्सीन नहीं है? नॉट ए लाइव एटेनोटेड वैक्सीन, तो हमने देखा था लाइव एटेनोटेड वैक्सीन में आती है BCG, देन मीजल्स, ओरल पोलियो वैक्सीन, स्मॉल पॉक्स, देन चिकन पॉक्स, मम्स, रूबेला, ये सभी होती है लाइव एटेनोटेड वैक्सीन्स। ये पर्टूसिस होती है किल्ड वैक्सीन, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। किल्ड वैक्सीन्स में आती है पर्टूसिस, कॉलरा एंड प्लेग वैक्सीन, प्लेग, पर्टूसिस, कॉलरा वैक्सीन्स होती है किल्ड वैक्सीन्स। ये BCG वैक्सीन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इट इज़ यूज टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट ट्यूबरक्लोसिस, ये होती है लाइव बैक्टेरियल वैक्सीन, इंट्राडर्मली देते हैं BCG वैक्सीन्स को। ओरल पोलियो वैक्सीन OPV होती है सेबिन्स वैक्सीन, एंड OPV मस्ट बी स्टोर्ड एट 0 to 4 degrees Celsius। ठीक है, एंड पोलियो की किल्ड वैक्सीन होती है साल्क्स वैक्सीन, ये होती है इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्राइमरी केसेस ऑफ वाटर पोल्यूशन, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन एक्टिविटीज और नन। प्राइमरी केसेस ऑफ वाटर पोल्यूशन, तो ये हो जाएगा ह्यूमन एक्टिविटीज, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ह्यूमन एक्टिविटीज में आता है इंडस्ट्रियल वेस्ट, देन सेवेज, देन ग्लोबल वार्मिंग, देन ऑयल लीकेज, एग्रीकल्चरल वेस्ट, ये सभी कॉज कराते हैं वाटर पॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई शुड यू कवर बर्न्स विद ए क्लीन और स्टराइल ड्रेसिंग, टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, टू कूल बर्न एरिया, टू कीप द बर्न एरिया वार्म, बोथ ए एंड सी। क्यों कवर करना चाहिए बर्न्स को विद ए क्लीन और स्टराइल ड्रेसिंग? तो बर्न्स को कवर करना चाहिए टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट ब्लाइंडनेस इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन B2, किसकी डेफिशिएंसी कॉज कराती है नाइट ब्लाइंडनेस?
तो ये होता है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। विटामिन ए होता है रेटिनॉल एंड द ओनली टेराटोजेनिक विटामिन इज विटामिन ए। देन अभी आप मुझे बताएंगे कार प्राइस रिएक्शन इज यूज टू डिटेक्ट, किसकी डिटेक्शन के लिए यूज करते हैं कार प्राइस रिएक्शन का, तो ये भी होता है विटामिन ए। विटामिन डी क्या है, तो ये होता है कैल्सिफेरॉल, इसकी डेफिशिएंसी कॉज कराती है रिकेट्स इन चिल्ड्रेन एंड ऑस्टियोमलेशिया इन एडल्ट्स, एंड इसका बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म होता है कैल्सिट्रायोल, एंड कैल्सिट्रायोल इज द मोस्ट सुटेबल विटामिन डी प्रिपरेशन इन रिकेट्स। ठीक है, 125 डाईहाइड्रोक्सी कोले कैल्सिफेरॉल होता है कैल्सिट्रायोल। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड होता है, इसकी डेफिशिएंसी कॉज कराती है स्कर्वी, एंड ये विटामिन सी इन्वॉल्व होता है इन द बायोसिंथेसिस ऑफ कोलेजन। देन अभी आप मुझे बताएंगे मिल्क इज डेफिशिएंट इन विच विटामिन, मिल्क इज डेफिशिएंट इन विच विटामिन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो ये होता है विटामिन सी। विटामिन बी टू राइबोफ्लेविन, इसकी डेफिशिएंसी कॉज कराती है चिलोसिस एंड ग्लॉसिटिस। ठीक है, एंड अभी आप मुझे बताएंगे द मोस्ट कॉमन कंडीशन ड्यू टू राइबोफ्लेविन डेफिशिएंसी इज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मोस्ट कॉमन कंडीशन ड्यू टू राइबोफ्लेविन डेफिशिएंसी, तो ये होता है एंगुलर स्टोमेटाइटिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसमाइनेज लेवल्स आर इंक्रीज्ड इन एपिलेप्सी, हेपेटाइटिस, अंजाइना, हाइपरटेंशन, किसमें इंक्रीज होती है ट्रांसमाइनेज लेवल्स, तो क्या होते हैं ये ट्रांसमाइनेज, तो ये होते हैं लीवर एंजाइम्स, एसजीपीटी एसजीओटी होते हैं ट्रांसमाइनेज, सीरम ग्लूटामिक पायरोविक ट्रांसमाइनेज एंड सीरम ग्लूटामिक ऑक्सैलोएसिटिक ट्रांसमाइनेज, एचजीपीटी एचजीओटी, ये होते हैं लीवर एंजाइम्स, एंड इनकी लेवल इंक्रीज्ड होती है इन हेपेटाइटिस, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ये हेपेटाइटिस होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोफ्यूरोकार्बन इज नॉन इन्फ्लेमेबल केमिकल मेनली यूज इन परफ्यूम्स, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, ऑल ऑफ द अबव, किसमें यूज करते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो इसे परफ्यूम्स में, रेफ्रिजरेटर में, एयर कंडीशनर में यूज किया जाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्लोरोफ्लोरोकार्बन सीएफसी इज नॉन इन्फ्लेमेबल केमिकल मेनली यूज्ड इन परफ्यूम्स, रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर आल्सो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आयोडीन इन ए हेल्दी एडल्ट बॉडी इज स्टोर्ड इन थायरॉइड ग्लैंड, लीवर, इंटेस्टाइन, स्किन, किसमें स्टोर किया जाता है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आयोडीन इन ए हेल्दी एडल्ट बॉडी, तो ये स्टोर होता है इन थायरॉइड ग्लैंड, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। कहाँ पे प्रेजेंट होती है थायरॉइड ग्लैंड, तो ये प्रेजेंट होती है थ्रोट में, एच शेप्ड ग्लैंड, बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड होती है थायरॉइड ग्लैंड, क्या सिक्रिट करती है T4, थायरोक्सिन, T3, ट्राइआयोडोथायरोनिन एंड कैल्सिटोनिन। ठीक है, देन द प्रिंसिपल साइट ऑफ ग्लूकोज प्रोडक्शन इन ह्यूमन बॉडी इज, इनमें से कौन सा होता है प्रिंसिपल साइट ऑफ ग्लूकोज प्रोडक्शन इन ह्यूमन बॉडी, तो ये होता है लीवर। देन फाइब्रिनोजन कहाँ पे सिंथेसाइज होते हैं, तो फाइब्रिनोजन इज सिंथेसाइज्ड बाय लीवर। देन HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन इज सिंथेसाइज्ड एंड सिक्रेटेड फ्रॉम लीवर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पैसिव इम्यूनिटी इज ऑब्टेंड बाय इंजेक्टिंग एंटी सीरम, एंटीजेंस, वैक्सीन्स, एंटीबॉडीज, तो पैसिव इम्यूनिटी इज ऑब्टेंड बाय इंजेक्टिंग एंटीबॉडीज, ऑप्शन डी, एंड एक्टिव इम्यूनिटी इज ऑब्टेंड बाय इंजेक्टिंग वैक्सीन्स। वैक्सीन्स होते हैं प्रिपरेशंस ऑफ एंटीजेनिक सब्सटेंसेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरासाइट दैट इज ऑल्सो ए वेक्टर होस्ट इज, एस्केरिस, एनोफिलस मॉस्किटो, हाउस फ्लाई, रैट, तो वेक्टर होस्ट होता है एनोफिलस मॉस्किटो, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। मलेरिया इज ट्रांसमिटेड बाय फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो, ये होता है वेक्टर होस्ट, मलेरिया होता है प्रोटोजोअल डिसीज एंड दिस प्रोटोजोआ इज ट्रांसमिटेड बाय फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो। ठीक है, देन विच इज ट्रांसमिटेड बाय हाउस फ्लाई, कौन सा डिसीज ट्रांसमिट होता है बाय हाउस फ्लाई, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो टाइफॉइड इज ट्रांसमिटेड बाय हाउस फ्लाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बैसिलस एंथ्रेसिस वॉज आइसोलेटेड बाय लुइस पाश्चर, रॉबर्ट कोच, एंटोनीवन लीवनहॉक, ऑल, बैसिलस एंथ्रेसिस वॉज आइसोलेटेड बाय, तो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा था बैसिलस एंथ्रेसिस होता है ग्राम पॉजिटिव बैसिलस, किसका कॉजेटिव एजेंट होता है, तो ये होता है कॉजेटिव एजेंट ऑफ एंथ्रैक्स,
एंड बैसिलस एंथ्रेसिस वॉज आइसोलेटेड बाय रॉबर्ट कोच, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अभी आप मुझे बताएंगे फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन है, हु इज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, तो ये है एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, थैंक यू।